हम आपको दिखाएंगे सबसे उम्दा रिव्यू उन गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के जो आप देखना चाहते हैं, और बताएंगे ऑटो जगत की सबसे अहम खबरें, साथ में कुछ राज और कुछ चटपटी बातें, और ये सब लेकर आएगी पूरी कार एंड बाइक टीम, जिसका मतलब हर रिव्यू, हर खबर, हर कंपैरिजन, हर जानकारी होगी बिल्कुल भरोसेमंद, बिल्कुल सटीक और मजेदार भी। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ विनायक पाटनकर, स्वागत है आपका रफ्तार रीबूटेड पर। यहाँ मेरे साथ कार एंड बाइक टीम के कुछ सदस्य जरूर मौजूद हैं, लेकिन कुछ हद के महामारी के वक्त ऐसा करना जरूरी है, और मेरे साथ इनका नेतृत्व करेंगे तम, ताकि आपको मिल सके पूरा मनोरंजन और जानकारी एक साथ। सबसे पहले प्रोग्राम पे आपके लिए नई ह्यूंडई वर्ना, एक बहुत ही लोकप्रिय कार जो कि अब अपने फेसलिफ्ट अवतार में बाजार में उतरी है, और इसके साथ साथ एक नया इंजन भी है। ह्यूंडई वर्ना कॉम्पैक्ट सेडान काफी लोकप्रिय कार है और अब अपने मिड साइकिल फेसलिफ्ट के साथ बाजार में वापस आ गई है। अगस्त 2017 में एक काफी सफल लॉन्च के बाद इस कॉम्पैक्ट सेडान ने एक धमाके के साथ वापसी की है, और इसका टाइमिंग भी बहुत अच्छा है। किसी भी गाड़ी का जब फेसलिफ्ट होता है उसके लाइफ स्पैन के मिड साइकिल में, तो शायद आप देखेंगे कि ज्यादातर इजाफा बहुत कम होता है, लेकिन वर्ना में मैंने देखा है कि इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो सिर्फ इस टर्बो मॉडल में ही आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले टेल लाइट ट्रीटमेंट, जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी टेल लाइट जो है ये थोड़ा सा ट्वीक किया गया है, लेकिन उसका ओवरऑल जो शेप है वो जो वर्ना में था वैसा ही है, लेकिन बम्पर में कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर हैं। और ये स्पोर्ट मॉडल है टर्बो, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे एक ब्लैक ट्रीटमेंट पोटी सा दिया गया है क्रोम के साथ, और ट्विन टिप एग्जॉस्ट, वो भी एक गाड़ी के स्पोर्टी एलिमेंट को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए है। ये भी जो आप देख सकते हैं जो पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, ये सिर्फ स्पोर्ट मॉडल में ही आपको मिलेगा। बाकी तो कार की प्रोफाइल और ओवरऑल शेप, साइज, व्हील्स, वो सब वरना जो थी उसी तरह से किया गया है, लेकिन सामने बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। फिर से मैं कहूँगा कि स्पोर्ट मॉडल में कुछ चेंजेस हैं जो अलग हैं, और इसलिए इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट है फ्रंट ग्रिल पे, और इसका जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा सीधे लाइंस और एंगुलर डिज़ाइन दिया गया है, जो कि जो क्रोम ग्रिल है स्टैंडर्ड मॉडल पे उसमें एक हनीकॉम पैटर्न है, तो वो थोड़ा अलग है। और इसमें जो रियरव्यू मिरर्स हैं वो भी ब्लैक ट्रीटमेंट, ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ हैं। ओवरऑल कार का लुक काफ़ी बदला है। ह्यूंडई वर्ना के पास अब एक अतिरिक्त इंजन है, सबसे बड़ा बदलाव अगर आप मुझसे पूछें। आमतौर पर फेसलिफ्ट में नए पावर ट्रेन शामिल नहीं होते हैं, लेकिन ह्यूंडई अपने नए आधुनिक छोटे डिस्प्लेसमेंट वाले टर्बो GDI इंजन को अधिकांश मॉडल में लगा रहा है, और में लगाकर समझदारी दिखा रहा है। वर्ना के टर्बो पेट्रोल इंजन में पावर वेन्यू में लगे इंजन जैसी है, और वर्ना में केवल 7-speed DCT गियरबॉक्स ही आया है, तो आपको यहाँ 118 bhp और 172 nm का टॉर्क मिलता है। मेरा मानना है आपको यही कॉम्बिनेशन आने वाली i20 पर भी दिया जाएगा। हालांकि यही इंजन ह्यूंडई ने वेन्यू पे भी उपलब्ध किया है, यहाँ वर्ना में एक ज़्यादा स्पोर्टी कैरेक्टर के साथ उभर के आ रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबे रेव्स हैं और आपको इंजन की आवाज़ भी अच्छी तरह से सुनाई देगी, जो कि एक तरह से नॉइजी नहीं है। इसका एक अच्छा स्पोर्टी ग्रावली फील है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगा। और पैडल शिफ्ट के साथ साथ अगर आप गाड़ी को अपने आप थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करें और गियर चेंजेस को भी, तो आप पाएंगे कि इसका ओवरऑल जो ड्राइव एटीट्यूड है, जो ड्राइव फील है, वो पहले से कहीं ज़्यादा स्पोर्टी है। लेकिन गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो पुरानी वर्ना से तो खैर अभी भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये स्पोर्ट मॉडल में मुझे लगता है कि एक थोड़ा ज़्यादा स्टिफनेस स्टीयरिंग में आना चाहिए था, जो कि नहीं है। मैं वर्ना में लगे 1 लीटर GDI इंजन का स्वागत करता हूं।
और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इसके साथ मैनुअल वेरिएंट भी दिया जाएगा। कंपनी की माने तो ये एक लीटर पेट्रोल आपको 19.2 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देगा। इस कार की बड़ी बहन एलांट्रा का एक फीचर है जो कि अब वर्ना के टॉप एंड वर्जन पे भी दिया गया है। सोच लीजिए, आपके हाथ में बहुत सारा सामान है, गाड़ी की चाबी आपके पॉकेट में है, आपको सिर्फ गाड़ी की तरफ आना है और खुद ब खुद इसका ट्रंक लिड खुल जाएगा, आप सामान रख सकते हैं आराम से और काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है। अब बात करते हैं कार के कैबिन की। नई वर्ना के इंटीरियर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन जो स्पोर्ट मॉडल है उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको नज़र आएंगे, क्योंकि पूरा ट्रीटमेंट अब ऑल ब्लैक है, बहुत स्पोर्टी है। सीट्स पे भी आप देख सकते हैं रेड स्टिचिंग और रेड एक्सेंट्स दिए गए हैं। यहाँ गियर स्टिक के नीचे भी वही लाल रंग की स्टिचिंग है और लाल एलिमेंट्स यहाँ पे एसी वेंट्स में भी इंक्लूड किए गए हैं, जो कि कहना होगा कि गाड़ी को एक बहुत स्पोर्टी और एजी थोड़ा सा लुक ज़रूर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हैं उसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ हैं, ये पूरी तरह से अब वर्चुअल है और जो टच स्क्रीन सिस्टम है जो पहले था वही है, और कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी जो जैसे पहले अवेलेबल थे वेरिएंट के हिसाब से अवेलेबल हैं। और स्पोर्ट मॉडल वैसे भी SXO यानी कि सबसे जो ऊपर का वेरिएंट है उसी पे बेस्ड है, तो इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। वायरलेस फ़ोन चार्जिंग जो आप दूसरे Hyundai मॉडल्स में भी देख चुके हैं, इसमें अब टॉप मॉडल में दिया गया है, और पीछे पिछले सीट्स या पिछले सीट के पैसेंजर्स के लिए एक USB चार्जिंग पॉइंट भी है। और अंत में कार के दाम। Hyundai ने मार्च में अपनी वेबसाइट पर नए वर्ना की कीमतें डाली थी, इसलिए हम इन्हें कुछ समय से जानते हैं। नए पेट्रोल GDI का सिर्फ एक ही टॉप एंड वर्जन है जिसकी कीमत 13,99,000 रुपये है। तो क्या नई वर्ना जो पहले से ज़्यादा फीचर्स के साथ आई है आपको प्रभावित करती है? हाँ, मुझे गलत मत समझिए, क्योंकि कार और अच्छी हो सकती है अगर आप लालची होना चाहते हैं, लेकिन अधिकांश भाग के लिए कार कई बजटों में फिट होने के साथ साथ काफ़ी आधुनिक, कनेक्टेड और ज़रूरी है, साथ ही बहुत सारे फीचर्स स्टैंडर्ड हैं। पिछले कई सालों से ऐसा बहुत कम ही होता है कि बात Hyundai वर्ना की हो और साथ में होंडा सिटी का नाम ना लिया जाए। इस कार की बिल्कुल नई जनरेशन अब बाजार में लॉन्च होने को तैयार है, लेकिन उसके बारे में आपको हम बताएंगे शो में अगले हफ्ते। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे नई अपाचे RR 310 BS6 रफ्तार रिबूटेड पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका रफ्तार रिपोर्टेड के इस पहले एपिसोड में, और अब बात करते हैं नई TVS अपाचे RR 310 BS6 की, जो TVS की सबसे महंगी मोटरसाइकिल है। और इस नई मोटरसाइकिल में TVS ने नए BS6 इंजन के अलावा और काफ़ी नए बढ़िया फीचर्स भी डाल दिए हैं, आइए इन पर एक नज़र डालते हैं। TVS मोटर कंपनी की सबसे बड़ी बाइक अपाचे RR 310 को अपडेट किया गया है। ये अब नए भारत स्टेज 6 प्रदूषण नियमों को पूरा करती है, लेकिन इसके अलावा भी मोटरसाइकिल में काफी कुछ नया है। अपडेट बाहरी भी हैं और तकनीकी भी। अब RR 310 को नई इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बाय वायर तकनीक, 4 राइडिंग मोड्स और कई स्तर वाले ABS के अलावा नए मिशेलिन रोड 5 टायर भी मिलते हैं, जो बढ़िया पकड़ और हैंडलिंग का वादा करते हैं। तो नई TVS अपाचे RR 310 BS6 में जो नहीं बदला है वो इसका डिज़ाइन और आकार, वो पहले जैसा ही है, लेकिन ये रंग नया है इस बाइक में।
तो पहले ये मोटरसाइकिल फुल ब्लैक कलर में आती थी, लेकिन अब इसे टाइटेनियम ब्लैक नाम दिया गया है। तो आप देखेंगे तो ऊपर आपको स्टील ग्रे फिनिश मिलेगा टैंक के पास और यहाँ फेयरिंग में ऊपर, लेकिन नीचे आके ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश हो जाता है। तो ये चीज़ इस बाइक में नहीं है। एक और अहम चीज़ जो इस बाइक में नहीं है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। साइज़ उतना ही बड़ा है जितना पहले था, लेकिन अब ये कलरफुल हो गया है, इसमें रंग डाल दिए गए हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा चेंज इस बाइक के एक्सेलरेटर में है। तो पहले ये केबल से चलता था, अब ये इलेक्ट्रॉनिकली चलता है और इसमें चार मोड्स हैं। वो मोड्स के नाम हैं रेन, अर्बन, स्पोर्ट और ट्रैक। और इसमें तीन ABS सेटिंग्स हैं मोटरसाइकिल में जो अलग अलग तरह से इन चारों मोड्स पे काम करती हैं। तो रेन मोड में सबसे ज़्यादा ABS आपकी मदद करता है और ट्रैक मोड में सबसे कम मदद करता है, क्योंकि बिल्कुल आखिर में आपको ब्रेक दबाने होते हैं। बीच में बचे जो दो मोड हैं उसमें आप कम लीवर का इस्तेमाल करके भी ज़्यादा ब्रेकिंग हासिल कर सकते हैं। नए फुल कलर इंस्ट्रूमेंट कंसोल से कई तरह की जानकारी मिलती है। इसमें एक ब्लूटूथ सिस्टम भी लगा है जो बाइक को मोबाइल फोन से जोड़ देगा और गहराई से आपके बाइक चलाने के तरीके का विश्लेषण करेगा। हैंडल के बाईं तरफ इस सिस्टम को चलाने के लिए नई तरह के बटन दिए गए हैं, जिससे बाइक सवार अपने पसंद के राइड मोड को चुन सकते हैं। साथ ही रेस कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपडेट शायद मामूली लग सकते हैं, लेकिन यही हैं जो अपाचे RR310 के इस मॉडल को नया बनाते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि बाइक में अब BS6 इंजन है। इसका ये मतलब है कि ये पहले से ज़्यादा साफ़ है और कम प्रदूषण करता है, लेकिन इसके जो फिगर्स है, जो ताकत है, वो पहले जैसी ही है। तो मैक्सिमम पावर 33 BHP और पीक टॉर्क 27 Nm जो आपको इस इंजन के साथ मिलेगा। इसके अलावा दो अहम चीज़ें, सस्पेंशन और फ्रेम बिल्कुल पहले ऐसा है, वहाँ कुछ नहीं बदला है। हाँ, एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है और जो बदली है, वो है इस बाइक के टायर, जो स्पेशली इस बाइक के लिए बनाए गए हैं। मिशलिन के टायर्स हैं, इनके बीच में एक हार्ड कंपाउंड दिया गया है ताकि टायर लंबे समय तक चल सके, और साइड में सॉफ्ट कंपाउंड है ताकि आपको बेटर ग्रिप्स मिल सकें सड़कों पर, स्पेशली जब वो गीली हों। नई RR310 पर थ्रॉटल रिस्पॉन्स बेहतर है, साथ ही एक्सेलरेटर को इस्तेमाल करने में झटके भी कम लगते हैं। बाइक की पिछली पीढ़ी से जुड़े हुए वाइब्रेशन भी अब कम हुए हैं। हाँ, बहुत तेज रफ्तार पर सीट पर इनको थोड़ा बहुत महसूस किया जा सकता है। स्लिपर क्लच के भी अपने फायदे हैं, ये पिछले पहिए को जमीन से लग कर चलने में मदद करता है और गियर बदलने में भी कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जो काफ़ी बदल गया है वो ये कि थोड़ा भारी होने के बावजूद नए टायरों ने अपाचे RR310 को चलाने में बेहतर बनाया है। भरोसा ज़्यादा है और पकड़ भी। बाइक की राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और सवारी आरामदायक है। इसके अलावा जो इसका राइड पोजीशन है वही मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा मेरी लंबी हाइट के बावजूद। तो इन चीज़ों से आपको कुछ खास शिकायत नहीं होगी TVS अपाचे RR BS6 310 से। इसको आप शहर में डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको हाईवे पे लेके जा सकते हैं, वहाँ भी आप इस पे खुश रहेंगे। BS6 इंजन तो है ही, लेकिन साथ में फीचर्स ने इस बाइक को काफ़ी मॉडर्न बना दिया है और इनमें से कई ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इस दाम में किसी और मोटरसाइकिल में नहीं मिलेंगे। नई TVS अपाचे RR310 की कीमत 2,40,000 रुपये एक शोरूम है। नए मॉडल को मिले अपडेट्स ने बाइक को यकीनन बेहतर बनाया है, ना केवल रिफाइनमेंट और हैंडलिंग में बल्कि संपूर्ण मोटरसाइकिल के रूप में। यकीनन ये इस कीमत पर भी एक प्रीमियम बाइक लगती है। अपाची RR310 की तरह बाकी काफ़ी सारी बाइक्स अब अपने BS6 अवतार में बाज़ार में उतरी हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हमें ट्विटर पे ज़रूर बताएं। और याद रखिए, अगले हफ्ते होंडा सिटी का जो नया जनरेशन है उसका हम पूरा खुलासा आपके सामने लेकर आएंगे, तो अगले हफ्ते शो देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और आप अपने सीट बेल्ट या हेलमेट ज़रूर पहनें।